हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने यहाँ पे बनाए हैं वेजिटेबल्स। हमने यहाँ पे बनाया है सेम आलू टमाटर। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी हमने यहाँ पे बनाई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही कम टाइम में ये बन के रेडी हो गई है और बहुत ही यम्मी बनी है। जितना अच्छा ये दिख रही है उतना ही अच्छा इसका टेस्ट था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर हमने ले लिया है 500 ग्राम सेमे, 3 टोमेटोज ले लिए हैं, जिंजर गार्लिक ले लिया है जिनको हमें चॉप्ड करना है, 4 पोटैटोज ले लिए हैं। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चॉप्ड कर ली हैं, पोटैटोज भी हमने काट लिए हैं। ऑयल ले लिया है हमने टू स्पून हमने ऑयल लिया था। सबसे पहले इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक जिनको हमने फाइन चॉप्ड करके कर लिया था। इनको हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट में ये हमारा फ्राई हो जाएगा। हाई फ्लेम पर हम इसको पका रहे हैं तो कंटिन्यूसली हम इसको मिक्स करते रहेंगे वरना ये जल जाएगा। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। जैसे ही हमारा ये थोड़ा पकने पर आ जाएगा, फ्राई होने पर, हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर लेंगे। सॉल्ट हमने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड करा है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, शैलो फ्राई होने तक हम इसको पकाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है ये। ये देखिए, ये शैलो फ्राई हो चुका है। तो फर्स्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे सेमे। सेमे हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि सेमे के अंदर से थोड़ी ग्रीन ग्रीन सी स्मेल आती है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेमे ऐड करनी पड़ेगी। हम इसके जिंजर गार्लिक के अंदर हम सेमे पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। तो इसकी जो ग्रीन सी जो स्मेल आती है, सेमे की जो स्मेल आती है वो आना बंद हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हमने सेमे ऐड करनी है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर ऐड करके हम 2 से 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पर इसको हम पका लेंगे। ये देखिए, मिक्स करें अच्छी तरीके से। टर्मरिक अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे पोटैटोज़ जो हमने कट करके रखे हुए हैं। पोटैटोज़ ऐड करने के बाद अब इसको हम पकाते रहेंगे 5 मिनट के लिए। हम इसको पकाएंगे खोल कर। देन इसके बाद इसके अंदर अब हम ऐड कर लेंगे रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 टीस्पून। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जिसे आपको तीखा चाहिए। हमें यहाँ पे ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए इसलिए हमने 1 टीस्पून लिया है। इसको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हमें ये सारे मसाले को खोल कर थोड़ा भूनना है, देन उसके बाद हमें इनको गलाना है। तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे टोमेटोज जो हमने पीसेस में कट कर लिए हैं, और ग्रीन चिली ले लिए हमने यहाँ पे। ग्रीन चिली आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी आपको चाहिए। हमने यहाँ पे 3 ग्रीन चिलीज ली थी जिनको हमने कट करके ऐड कर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। स्लो फ्लेम पर इसको हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देन इसके अंदर अब हम ऐड कर लेंगे वाटर। वाटर हम यहाँ पे ले रहे हैं 1/2 कप। ज़्यादा हमें वाटर ऐड नहीं करना है। वाटर हम यहाँ पे इसलिए ऐड करें क्योंकि हम इसमें सीटी देने वाले हैं, तो उसके लिए हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। ये देखें, 2 सीटी के बाद हमारा जो है पोटैटो जो है वो अच्छी तरीके से गल गए हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कुकड हो चुकी हैं। तो अब हमें इसके खोल कर इसको हमें भूनना है सिर्फ, और ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। इसको हम सीटी के बाद भूनेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। देन हमारा जो है सब्ज़ी बन के एकदम रेडी हो जाएगी। ये देखें, सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है ये सेमे का। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती है, बट आप इस रेसिपी के साथ इसको ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर आपके घर में भी ज़रूर सबको पसंद आएगी और आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही सिंपली रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन के तैयार हो गई। हमने ज़्यादा कोई मसालेज भी ऐड नहीं करे हैं जो हमारे घर में होते हैं, सारे मसालेज हमने वही ऐड करे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू सो मच।